गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दिन की शुरुआत अच्छी है, वैसे सुबह हो चुकी है एंड हम लोग रेडी हो रहे हैं कहीं जाने के लिए। व्लॉग में आगे पता चल जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं। तो मेरा फ्रेंड आ चुका है अंकित घर पे, रेडी हो चुकी है। तो ये भाई साहब क्या आप करने की तैयारी में है? भाई अपने करते हैं भाई, ज़्यादा बहुत लेट हो गया। किस सिस्टम है मेरे? सिस्टम तो हैंग हो रखा है फिलहाल। एलविस जेल में पड़ा हुआ है। नहीं आ गया, मैंने सुना हुआ है, पता नहीं, मैंने देखी थी कोई लेटेस्ट देखी थी रील, उसमें देखा था कोई वो मिल गई, उसको बेल मिल गई, बेल मिल गई। चलो ISBT ना, ISBT 43। घर का हालत अभी ख़राब है पूरा, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये भाई साहब रेडी हो रहे हैं कंघी, हमने तो कंघी भी नहीं करी है। मुझे दिखा चाय पी रहा हूँ। चलो चलो जल्दी रेडी हो जाए। चलो रेडी होते हैं। भाई दे दे, क्या कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल हम घर से निकल रहे हैं, क्या आ रही है वो कर दिया है। आइए फिर मिलते हैं। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बस स्टैंड, और हमारे यहाँ पे एक और फ्रेंड है जो कि बेचारा 8 बजे से वेट कर रहा है हमारा। अभी वो बहुत सारी गालियाँ देने वाला है भर भर के, कोई बात नहीं सुन लेंगे। ये अंकित भाई साहब बहुत स्पीड में चल रहे हैं, कह रहा ना बस पहुंच के रहूँगा जल्दी से आज। रिचार्ज करवा लिया करो भाई। रिचार्ज किया मैंने यार, कल परसों रिचार्ज करवाया था। 5G लगा रखा है क्या? 4G चल रहा है। वो हमारा दोस्त है, ये खड़ा है बेचारा कब से, गाली देने के लिए रेडी हो गए। और भाई क्या हाल है, बढ़िया सब सही? कैसा लगा वैसे खड़ा हो गया यहाँ पे 1 घंटा? यहाँ खड़ा हो गया मेरा चूतिया बना दिया। वो तो आप पहले से ही हो भैया जी, क्या कर सकते। गाली गलौज नहीं। कौन बोल रहा है ये? मैं बोल रहा हूँ शरीफ, नियायती शरीफ। और भाई मेनू सिलेक्ट हो गया 1 घंटे के बाद, हो गया, हो गया, फाइनली हो गया सिलेक्ट। मजा उठाऊं क्या? ऑर्डर किया खाने के लिए? कुछ भी नहीं, छोले भटूरे करे एक छोले भटूरे। तूने क्या खाना? तुमने कुछ नहीं खाना मैंने तो। खाले साले तू खाले भाई, मैं चाय पीऊंगा। खाले घर में खाले भाई, रास्ते तो खिलाया नहीं, क्यों कह रहा फिर? बिल पे तो तू ही करेगा। ये सालों ने एक बार पूछा तक नहीं, देखो अब बोलने के बाद पूछ रहा क्यों भाई, उसका क्यों लेके दे रहा? तो क्या हुआ भाई? नहीं यार ठंडा है वैसे, मेरा इंटरनली थोड़ा हिलाव रहता है। चले भी चाय पिएगा तू, चाय को चाय लाएगा ना, गर्म ठंडा हो जाएगा ना। हमने तो चाय मंगाई थी,
और ये चाय का कप कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। क्या बन गई है? फिर से बोलना क्या बोल रहे थे ना? नहीं, मैंने कहा कि वो क्या नाम है उसका, वेटर उससे पूछ रहा था मेनू में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। नहीं गंदा नहीं। तो उसने मे भी हिंदी में बात करी, तो मैंने कहा उसको हिंदी आती है, तो ये कहता एक हम ये जो हमें इंग्लिश नहीं आती, सबको हिंदी आती है। हमें तो आती है, तेरे को नहीं आती है। हम तो नहीं हुए भाई लोग, हम बस में बैठ गए। अभी हमने एक बस चेंज करी है, साथ वाली बस है वो हमने चेंज कर दी। यार उस बच्चे ने उल्टी कर दी, मेरा मूड खराब हो गया। दूसरी बस आई और हम अभी देख रहे हैं बस पूरी खाली है, अभी टाइम लगेगा भरने में। वेट करते हैं बस के ऊपर, को थोड़ा कॉन्फिडेंस दो। बस के ऊपर हमारा ही राज है, ये भाई वाली बस हमारी है। ये भाई साहब अभी व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। बूस्ट कर दूं? नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है, खाली बढ़िया बस। कौन सा बूस्ट चाहिए? नहीं भाई, कोई। और भाई कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना? कौन तू? नहीं, कितनी बार गया? 3-4 बार गया है भाई। हाँ, मैं तो यार बचपन में गया था, और फिर बचपन में जाने के बाद इस बार जा रहा हूँ मैं, मतलब 20-22 साल बाद फिर से जा रहा हूँ। तो गाइस हम एक्चुअली वैष्णो देवी जा रहे हैं, इसकी मैंने कहा था कि व्लॉग में बताऊँगा, तो हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। मैं बचपन में एक बार गया था और फिर अब दोबारा जा रहा हूँ, सेकेंड टाइम माता का बुलावा आया 20 साल बाद। तो इन्जॉय करते हैं अभी रास्ते में, बाकी मिलते हैं बाद में आप सबसे। वो वाली बस तो बस निकल गई है, तेजी तेजी से चल रही है, सालों ने बीच में बिठा दिया मुझे। पहले सही है ना, दोनों तरफ काम करेगा, सीट दोनों तरफ से मिल रही है, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है भाई, तो चलो क्या चाहिए ऑर्डर दीजिए। टिकट वाले भैया नहीं आए अभी तक, फिर से काट रहे हैं टिकट, काटते हुए आएंगे सबका, है ना भाई? भाई पहले बोला 500, पहले बोला 540, 540 से सीधा 2300 दे दिया, 2300 का टिकट दे दिया। यार ये काफ़ी नहीं है सर? ये बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। क्यों नहीं दे सर? क्या मानत बोरिंग हेलो भाई, ये रास्ता बड़ा बोरिंग होता जा रहा है। रास्ता क्या होता जा रहा है? बोरिंग क्या है कि ऐसी दसी होती है हमारे ना, अलग से फेशियल हो रही है ऐसा होता है क्या? ट्रैवलिंग रात को करनी चाहिए, ज़्यादा बेटर होती है। ट्रैवलिंग रात को करनी चाहिए, अगर ऐसा बस में तुमने ट्रैवल करना है तो रात को बस में सो जाता है, तुम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे, ऐसे ज़्यादा बेटर होता है। यार हमको रात को ले जाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, गंदा जोक बताओ, अच्छा सुनोगे या बुरा सुनोगे? नहीं कुछ नहीं सुनना। जब हम आते थे ना वैष्णो देवी, हाँ, तब हम रात को बैठते थे प्लेन में 8 बजे। ठीक है, हम सुबह पहुंच जाते थे 5 बजे। अच्छा, 5 ट्रेन इतना डिले, 8 घंटे तो ट्रेन भी लगाती होगी। हाँ टाइम लगाते हैं ट्रेन में यार, बस वो है कि रात को ना पता नहीं चलता, सड़क हो जाता है। 350 अभी देखना, पूरे दिन हम बस में बैठे हैं, फील होगा नींद तो आएगी नहीं, नींद तो आएगी नहीं, बस ये भी होगा कि यार कब पहुँचे। ट्रेन में ये होता है कि चलो बंदा ना ऐसे आते रहते हैं, जाए जाए जाए, उनकी आवाज़ें सुनते रहते हैं ना हम, तब तक जाके चीज़ें ठीक रहती है। बस में ये सुन लेंगे, जलंधर जलंधर जलंधर, लुधियाने लुधियाने लुधियाने, बस ये सुनने को मिलेगा बस। कटरा नहीं है, कटड़ा है, कटड़ा कटड़ा।
इतना हिल रहा। ये है हमारे अंकित भाई,
और ये हमारे दीपक भाई, ये हमारे सौरभ भाई। कैसा फील हो रहा है 10 घंटे के बाद उतरने में? यस एक्चुअली में 10 घंटे की बाट, मतलब बस के ट्रैवल के बाद पाँव ज़मीन पे पड़े फिर से। मैं तो अभी भी झूले खा रहा हूँ। खाली हो गया भाई। अब ये हमारे बुके शेर मिर्ची खाली मैंने कर दी थी यार। एक वहाँ गया खाने के लिए बुके शेर। खाने पे तो ऐसे टूटे और मिर्ची खाली पता नहीं चली। मिर्ची खाली पता भी नहीं चलिया। तो गाइज हमने सोचा था कि पहले मतलब आज रात में चढ़ाई कर लेंगे दर्शन के लिए ऊपर वैष्णो देवी का, बट किस्मत ख़राब टिकट काउंटर जो होता है दर्शन काउंटर का जो टिकट मिलता है वो बंद था। तो अब वो खुलेगा भाई साहब सुबह 4-5 बजे। तो 4-5 बजे खुलेगा, तो अभी हम सब वेट कर रहे हैं। अब हमने यहीं पे होटल ले लिया, तो हम अब सोच रहे हैं कि हम सो जाएंगे यहीं। ये छोटा इधर पड़ा हुआ पहले ही, भाई इसने कम्बल ले लिया और घुस गया, कंबल लेके पहले ही घुस गया। तो रूम वैसे काफी अच्छा है। नो डाउट रूम बहुत सेक्सी है, अच्छा है। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। वहां तो बदबू आ रही है रात भर बेहोश हो जाते। कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा बहुत। अबे गाने तो लगाए थे अच्छे। कह रहे सर आप क्या बता दो सर। नहीं सर हम कुछ नहीं कह रहे हैं। वो तू भी आ जा, चमत्कार मिलके करेंगे। आधा अधूरा वाला चमत्कार पे चमत्कार चमत्कार पे चमत्कार चमत्कार पे चमत्कार करेंगे। यार पंखा फिर तुमने बंद कर दिया। पहली बार तो बंद करा था, दूसरी बार तो मैं अभी आया यहाँ। अबे क्या किया था तूने? ऑन पंखा ऑन किया था, स्विच ऑन किया था। ठीक है गाइस, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में गाइस। ठंडा मौसम है यार गाइस, पंखा देख लो, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। गाइस अंकित को देख लो, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। गाइस टीवी देख लो, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। क्या बोल रहा हूँ? ओके कट कट कट, रील कट कर दो यहाँ पे। अंकित भाई भाई मैं इसको म्यूट कर दूंगा ना, कॉपीराइट कैसे आएगा? सॉन्ग को हटा दूंगा, क्या नहीं होगा। यार पूरा बोला करो ना, क्या नहीं होगा।
तो ठीक है गाइस, अब हम लोग भी सोते हैं क्योंकि सुबह 3-4 बजे उठना है एटलीस्ट। 4 बजे उठ के नहा धो के फ्रेश होके टिकट स्टार्ट करते हैं। यात्रा से पहले टिकट लेनी पड़ेगी, पहले लाइन लगनी पड़ेगी, दर्शन पर्ची के लिए लाइन लग जाती है। हालत खराब हो रखी है, भयंकर हो गया है। हाँ जी।